ये है हमारा ब्रांड न्यू 2021 साइन PS6 मॉडल, और एकदम ब्रांड न्यू मॉडल है, और इसको आज हम लोग थोड़ा टेस्ट राइड करेंगे, देखेंगे इसका क्या कुछ परफॉर्मेंस है, एक्सेलरेशन कैसा है, ब्रेकिंग कैसा है, ये सब कुछ टेस्ट करेंगे। इसका एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैसा दिखने में कैसा है। तो ऐसा कुछ देखने में है ये, इसका पीछे वाला जो इंडिकेटर है वो LED नहीं है, सामने आगे पीछे वाला LED इंडिकेटर नहीं दिया है, और पीछे ड्रम सेक्शन है, क्योंकि 125 सेगमेंट में ये जो गाड़ियाँ आते हैं इसमें ज़्यादातर गाड़ी पीछे ड्रम ही दिया जाता है और सामने डिस्क दिया जाता है। और इसका जो CBS होंडा का जो CBS टेक्नोलॉजी है वो भी यूज़ किया गया है, और BS6 इंजन है, यहाँ पर देख सकते हैं कैथलेटिक कन्वर्टर भी लगा हुआ है इसको। ये जो H80 BS4 टेक्नोलॉजी जो होंडा यूज़ करते हैं, और ESP टेक्नोलॉजी जो होंडा का जिसके लिए इतना खास हो जाता है ये गाड़ी, ये यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पर कितना अच्छा क्रोम फिनिश देख सकते हो, क्रोम फिनिश पहले जो था उससे थोड़ा ये बड़ा कर दिया गया है, थोड़ा बड़ा कर दिया गया है, और इसके साथ साथ यहाँ पर भी जो क्रोम फिनिश है ना इसको भी थोड़ा बड़ा कर दिया गया है, क्योंकि पहले यहाँ पर जो फ्यूल ऑन ऑफ करने का स्विच होता था तो वो अभी नहीं है, तो उसको मेकअप करने के लिए इसके अंदर देख सकते हो BS6 का जो मेन फ्यूल इंजेक्टर है तो वो इसके अंदर है, तो इसको पूरा इससे कवर कर दिया गया है दोनों साइड सेम। और इसमें पांचों गियर लगता है अभी, और सभी गियर पीछे में है। और इसका जो इंजन है, इंजन देख सकते हो बिल्कुल हमारा जो SP125 है उसी का इंजन इसमें है। तो चलो अभी इस पर राइड करके देखते हैं। तो चाबी ऑन किया है, और यहाँ पर जो किल स्विच देख सकते हैं, ये जो इंजन किल स्विच दिया है, पहले जो ओल्ड मॉडल था होंडा का उसमें किल स्विच नहीं आता था, अभी होंडा ने ऐसा स्विच दे दिया है किल स्विच। इसके साथ साथ जो स्विच आता है ये एकदम साइलेंट स्टार्टर स्विच होता है एक ही साथ है। और इस साइड में देख सकते हो, इस साइड में ये जो हॉर्न का ये हॉर्न का स्विच है, और इसके साथ साथ इंडिकेटर से, और यहाँ पर पास लाइट, ये है पास लाइट, और ये जो ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ धकेलोगे तो ये एकदम अपर लाइट हो गया, तो पास लाइट और अपर डिपर लाइट एक ही साथ कर दिया है। तो चलो, इसका अभी टेस्ट राइड के लिए गाड़ी है तो इसलिए इसका मीटर जो है, मीटर का तार अभी खोला हुआ है, तो अभी इसको डिस्क वाला वेरियंट है, तो चला के देखते हैं कैसे इसका एक्सपीरियंस होता है ब्रेकिंग और एक्सलेशन। तो चलो न्यूट्रल से फास्ट गियर देते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक्सीलरेशन देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है, वाओ, 125 सीसी के इस सेगमेंट के हिसाब से बहुत ही अच्छा एक्सीलरेशन है, और इसी के लिए ही तो SP जो है, SP और साइन ये दोनों मॉडल इतना जाना जाता है एक्सीलरेशन और स्मूथनेस। तो अभी जो मैं एक्सीलरेट किया इसके साथ साथ जो स्मूथनेस भी मिला मेरे को, क्या ही बताएं, बहुत ही स्मूथ है, और गाड़ी अभी तक कोई वाइब्रेट नहीं कर रहा है, गाड़ी बिल्कुल स्मूथ जा रहा है। मैं 5 गियर डाल चुका हूँ, और रोड देख सकते हैं कैसा रोड है, सॉरी 4 गियर में था अभी 5 गियर दिया। तो हाँ, इसका जो और एक बात है, पहले वाला जो साइन आता था, मैं SP कर रहा हूँ, पहले वाला जो साइन आता था CV साइन, इसका तो अभी नाम भी चेंज कर दिया है, पहले CV साइन जो करते थे अभी साइन 125 PS6। तो पहले वाला जो साइन आता था उसमें क्या होता था, 4 गियर रहता था, और उसमें हमेशा ऐसा ही महसूस होता था कि और एक गियर होता तो अच्छा होता, ऐसा फील होता था, लेकिन इसमें अभी ऐसा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें 5 गियर दे दिया है और बहुत ही रिफाइन कर दिया है पहले से। तो ब्रेकिंग भी देख सकते हो बहुत ही अच्छे से कंट्रोल के अंदर है, कंफर्टेबल ब्रेकिंग है। ये देखो ब्रेकिंग बिल्कुल कंफर्टेबल है, और ब्रेकिंग करने के बाद ये जो पिकअप मैं दे रहा हूँ बहुत ही अच्छे से ले रहा है पिकअप, इसका जो 11 न्यूटन मीटर टॉर्क है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, और 10.5 BHP, उसके साथ साथ 100 सेक्शन का टायर दिया है आगे पीछे, हॉर्न ठीक ठाक है,
ओके ओके टाइप सा। ये जो एक्सेलरेशन के साथ साथ जो स्मूथनेस है यही फीडा करती है कस्टमर लोगों को, यही खींच के लाता है। एक तो इसका सर्विस जो एक लीटर पेट्रोल में 60, कंपनी का कहता है कि कंपनी क्लेम करता है कि इसको 60 माइलेज दे देगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है, मैं जितना दिन से एसपी ये वाला एसपी पहले भी चला चुका हूँ और जो बहुत सारा फ्रेंड्स लोग भी चला रहे हैं, तो उसी के हिसाब से मैं बोलूँ तो अगर कोई अच्छा राइडर हो जो स्मूथली राइड करे उसको तो 60 आराम से मिल जाएगा, लेकिन जो थोड़ा खींच के भगा के इसको चलाता है उसको करीबन 50 मिलेगा, लेकिन उसको 60 मिलना टफ है। और जो अच्छे से राइड करे, जो आराम से राइड करे, फील ले गाड़ी का, उसको 60 प्लस भी माइलेज मिल जाएगा। और इसका जो क्लच है, क्लच भी बहुत सॉफ्ट है। क्लच के साथ साथ जो गियर में जब अप शिफ्ट कर रहा हूँ या डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ वो भी बहुत ही सॉफ्ट हो रहा है, बहुत ही स्मूथ हो रहा है। लगभग मैं अभी 55-60 के आसपास जा रहा हूँ। अभी ये जो हवा बह रहा है या चारों तरफ एक होता है ना, आइडिया हो जाता है कि कैसा स्पीड में हो सकते हैं हम लोग मीटर ना देखते भी। अभी ऐसा ही कुछ सीन है समझ लो, क्योंकि मीटर इसका खोला हुआ है, लेकिन मैं फील कर रहा हूँ कि उस वक्त जब आ रहा था 55-60 के स्पीड में आ रहा था, फिर भी कोई भी वाइब्रेट नहीं था गाड़ी में, एकदम इंजन स्मूथ जा रहा था। तो इसका इंजन साउंड तो बिल्कुल स्मूथ है, एकदम लाजवाब। जिसको साइरन बाइक पसंद है उन सब के लिए तो ये वाला बहुत ही अच्छा है। ये देखो रोड, देखो सभी तरह का रोड मैं मिला जुला के चलाऊंगा, ताकि सस्पेंशन का भी पता चले कि सस्पेंशन भी कैसा काम कर रहा है। तो अभी तक तो मेरा हाथ दुख नहीं रहा है, सस्पेंशन ठीक ठाक ही है। ओ भाई कहाँ है। और एक बात जो है, इसका जो हैंडल देख सकते हो आप लोग, इसका जो हैंडलिंग है, पहले से हैंडलिंग नीचा कर दिया गया है और छोटा कर दिया गया है, जिसमें से और भी कंफर्टेबल हो गया है गाड़ी, और भी एक होता है ना पकड़ में आ गया है गाड़ी, एकदम हाथों के अंदर अच्छे से पकड़ में आ गया है, लग रहा है कि हाँ ये तो एकदम कहीं से भी घुसा सकता हूँ या कहीं से भी निकल सकता हूँ, ऐसा जो पकड़ में आता है। तो इसके कारण से बहुत ही जल्दी कोई भी राइडर बहुत ही जल्दी इसको अच्छे से ग्रिप कर पाएगा, अच्छे से हैंडल कर लेगा ये हैंडलिंग की वजह से, क्योंकि पहले और भी ऊंचा था हैंडल, और भी ऊंचा था और थोड़ा बड़ा था, और इस साइड में हैंडल गार्ड दिया हुआ रहता था, तो अभी वो नहीं दिया हुआ रहता है, वो हटा दिया गया है। तो यहाँ का मैं यहाँ पर हर दिन गाड़ी चलाता हूँ, मेरा गाड़ी भी चलाता हूँ, कुछ फ्रेंड लोगों का भी गाड़ी चलाता हूँ, तो यहाँ पर मैं अच्छे से समझ में आएगा इसका सस्पेंशन। वाह फिलहाल तो बहुत ही मज़ेदार सस्पेंशन है इस सेगमेंट के हिसाब से। हाँ उतना कुछ फील नहीं हो रहा है, अच्छा इसका जो सीट है, सीट में आप लोग आराम से तीन जन बैठ सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा ये चीज़ कि तीन जन आप लोग बैठे, दो जन के लिए ही सही है, लेकिन आराम से सीट का इतना लेंथ है कि आप तीन आदमी आराम से बैठ सकता है। बहुत सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत हार्ड भी नहीं है, ओके ओके टाइप से सीट है। तो यहाँ पर रोड का हालत देखिए, इस रोड पे हम लोगों को हर दिन जाना पड़ता है, तो इस रोड पे भी जैसा 67 मिल रहा है ठीक ठाक ही है इसमें तो, और ये तो कोई टूरिंग बाइक नहीं है या ऑफ रोडिंग बाइक नहीं है, तो इस बाइक में जो नॉर्मल सेगमेंट का बाइक होता है इसमें जैसा सस्पेंशन होना चाहिए, आप लोग मेरा वॉइस सुन के भी पता कर सकते हैं, कुछ कुछ जगहों में जब बहुत ही उबड़ खबड़ हो रहा है तो वहाँ पर कैसा हो रहा है, फिर भी ठीक ठाक है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। ये था कुछ हमारा जो साइन 125 है BS6, इसका कुछ ओवरव्यू बोल सकते हैं कि आप टेस्ट राइड रिव्यू। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो कोई भी बाइक लेना चाहते हो या ले चुके भी हो, जो बाइक इंटरेस्टेड हो दोस्तों के साथ शेयर कर देना,
और लाइक जरूर करना ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और यूट्यूब को भी ऐसा लगे कि वो इस वीडियो को और थोड़ा दूसरे लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करोगे तो वो दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचाएगा, यूट्यूब का ऐसा ही फंडा है। तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई देर न करते हुए जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। चलो गाइस, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल।